हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बताने वाला हूं आपको कि बीएड आपको डिस्टेंस या कोरेस्पोंडेंस से करना चाहिए या फिर रेगुलर। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो डिस्टेंस कोर्स से करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, जो बीएड ऐसे करना चाहते हैं कि उन्हें जाना ना पड़े, तो क्या उनके लिए सही है, क्या उनके फ्यूचर के लिए सही है, या फिर हम कहीं रेगुलर एडिशन लेना चाहिए, इस बारे में मैं बताऊँगा आपको। 5 मिनट की वीडियो है, वीदियो को आखिर देखिएगा पूरी बात जानने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, मार्ग गौर भारद्वाज और मैं लास्ट 10 ईयर से टीच कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और मैंने भी बीएड किया हुआ है और साथ में मेरा भी पीएचडी अपीयरिंग चल रहा है, और मैंने किया है एमए इकोनॉमिक्स, एमकॉम और बीएड। गाइज, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब बीएड मैंने किया था और उससे अब तक मैं एज ए टीचर भी और एज ए स्टूडेंट भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, तो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बीएड अगर आप करना चाह रहे हैं, पहली बात तो बीएड क्यों करें। अगर आपको टीचर बनना है क्लास 8 से लेकर 12 तक पढ़ाने के लिए, तो आपको बीएड करना कंपलसरी है। आफ्टर बीएड आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जैसे कि टेट का एग्ज़ाम है या एलटी का एग्ज़ाम है या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम्स है, लेकिन बीएड तो कंपलसरी है ना टीचर बनने के लिए। अब जब बीएड बनना है तो यार उसके लिए एडमिशन भी लेना पड़ेगा, तो एडमिशन ले कहाँ, सबसे पहली बात ये आती है। तो एडमिशन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एडमिशन लेते समय बहुत ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अब मैं लाइव इंस्टाग्राम पर आया करूँगा, तो जिनसे कोई क्वेरी क्लियर करनी है मुझसे, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाइए एस वी जे क्लासेस में सर्च कीजिए और मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। स्टूडेंट्स, सीधी सी बात यह है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले माइंड में आता है कि यार मैं नॉट अटेंडिंग एडमिशन लूँ या फिर अटेंडिंग लूँ। मैं ऐसे एडमिशन लूँ जहाँ मुझे जाना ना पड़े, जहाँ पर मैं चाहूँ कि मैं घर बैठकर ही बीएड कर लूँ। जैसे कि आप पर्टिकुलर एक स्टेट से हैं और आप किसी दूसरे स्टेट से बीएड कर रहे हैं, जैसे कि आजकल सुविधा मिल रही है, तो वह आप सोचेंगे कि बार बार ना जाना पड़े, हॉस्टल लेके रहना ना पड़े, तो मैं डिस्टेंस से कर लूँ। अब उसके क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि आप रेगुलर से ही बीएड करिए। वीडियो का टाइटल भी यही है कि रेगुलर से करें या फिर कोर्स से करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेगुलर से बीएड करिए। उसके 3 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न, अगर आप रेगुलर से बीएड करते हैं तो पहली बात, आप जो वर्किंग करके सीखेंगे, आप अच्छे कॉलेज से अगर बीएड करिए, वहाँ पे फैकल्टीज आपको सिखाती हैं, जो आपको प्रैक्टिकली काम आप करते हैं, माइक्रो टीचिंग होती है जिसे दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ाना पड़ता है, या फिर आप नोट्स अपने बनाएंगे, या फिर आप एक्टिविटी सीखेंगे क्लास में रहकर कि कैसे बच्चों को टीच करना है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है व्हेन यू आर डूइंग टीचिंग इन अ क्लास, तो वो आप सीखेंगे, वो आपके काम आएंगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके रेगुलर रहने से आपकी फैकल्टी के साथ, कॉलेज के टीचर्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। आप उन्हें नमस्ते करें, उनके घर जाइए, मतलब उनसे ऐसा वातावरण रखिए कि वो आपकी हेल्प करें। किस तरह की हेल्प? आपकी माइक्रो टीचिंग के लिए किसी और कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में, तो जहाँ आप चाहें अपनी सुविधा से ड्यूटी लगवा सकते हैं। दूसरा, मैंने बताया कि आपको इंटरनल मार्क्स जो मिलते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं, आपके जो फाइल्स बनानी है उसमें आपकी मदद करेंगे। प्लस हो सकता है कि आपको बीएड करने के बाद वही कहीं जॉब दिला दें प्राइवेट में। अब ऐसे अच्छे लिंक आपके होने चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट रेगुलर जाने का ये होता है कि पूरे साल भर हम जब रेगुलर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी सीख जाते हैं जिसका हमें एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलता है, और जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं होते उन्हें पूरा साल ख़त्म होने के बाद पूरी पूरी बुक्स रटनी पड़ती हैं एग्ज़ाम के लिए, जिस कारण कहीं ना कहीं उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। ये बेनिफिट है रेगुलर के। अब फीस तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेगुलर से कोरेस्पोंडेंस की ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉट अटेंडिंग में आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ती है, रेगुलर में आपको कम देनी पड़ती है। ये बात समझ लीजिए अच्छे से। आप अगर कोरेस्पोंडेंस या प्राइवेट या डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो एक बार पता तो करें रेगुलर की फ़ीस कितनी है। हाँ, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि बीएड आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड है इसके अंदर, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आते हैं कि अगर आप डिस्टेंस से करते हैं तो उसके नुकसान क्या क्या है। पहला नुकसान यही है कि आपको जाना, आप वहाँ जाओगे नहीं, आपका नुकसान होगा। दूसरा, आप अगर बीएड करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग करते, क्योंकि गवर्नमेंट में सबकी ड्यूटी नहीं, सबकी जॉब नहीं लग सकती, तो अगर आप प्राइवेट से बीएड करते हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी कि वहाँ पर जब आपकी इंटरव्यूज़ होंगे तो वहाँ पर बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने बीएड में ही सीखा होगा, ये बताइए। मैंने खुद फेस किया इस चीज़ को, और आप बीएड में आपने ये सीखा होगा बताइए, या बीएड से आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न्स में भी क्वेश्चन आते हैं। अब वो आपने अगर एक्टिविटी तभी आपने सीखी होगी तब आप वहाँ इन्वॉल्व रहे होंगे, अगर आप नहीं रहे होंगे तो आपको फेस करनी पड़ सकती है प्रॉब्लम। प्लस आपके अच्छे नंबर
तभी आएंगे जब आप रेगुलर रहेंगे, नहीं आएंगे तो आप गवर्नमेंट जॉब में जब मेरिट बनेगी आपकी एकेडमिक की तो वहाँ पे आपके मार्क्स कम हो, जिस कारण आपको गवर्नमेंट जॉब से भी हाथ धोना पड़ सकता है आपके, निकल जाएगी गवर्नमेंट जॉब हाथ से। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ रेगुलर से करिए। 2 साल की तो बात है, 2 साल का बीएड होता है, अगर आप आफ्टर 12th कर रहे हैं तो 4 साल का बीएड होता है, बट जहाँ से भी करें रेगुलर करें एक बार मन लगाकर। हाँ, इतना हो सकता है कि आप कॉलेज से थोड़ी आप अपनी अच्छे वो बना लीजिए और छुट्टी वुट्टी ले सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करें रेगुलर बीएड करने की, यही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट थे इसलिए मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई और आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए यही सही है। फीस भी बचेगी प्लस आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। नॉट अटेंडिंग रहने से आप, मैं मानता हूँ आप कोई कोर्स कर रहे होंगे, दूसरा आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो कम से कम एडजस्ट करो कैसे भी करो, ये आपके ऊपर है, लेकिन बीएड करना तो रेगुलर ही करिए। डिस्टेंस कॉरेस्पोंडेंस प्राइवेट से मत करिएगा, ये मेरा सजेशन है आप सब के लिए। तो गाइस, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और एक ऐप के बारे में आपको बताता हूँ, डाउटनेट ऐप। ये ऐप आपकी स्टडी को और आसान कर देगा। मैथ्स की कोई क्वेरी है आपको तो ऊपर कैमरे का आइकॉन पर क्लिक करें, वहाँ से आप फोटो खींचकर वीडियोस पा सकते हैं उसके सॉल्यूशन की। साइंस वगैरह के, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स भी अवेलेबल हैं, इनकी यूट्यूब चैनल भी है इनका एक। बाकी आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट और PDF फाइल सब इसमें अवेलेबल है। लिंक इस ऐप का बिल्कुल फ्री है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही डाउनलोड करें और मुझे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर, जिससे कि आप मुझसे लाइव बात कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।